हाय गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज अपने पास Vivo का Vivo T2X, और गाइस आज के इस वीडियो में हम इसके साथ में करने वाले हैं ड्रॉप टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एंड वाटरप्रूफिंग टेस्ट वगैरह, और स्क्रैच टेस्ट वगैरह, बैंड टेस्ट वगैरह की आज हम इसका पूरा इंतहाम लेने वाले हैं कि भाई क्या अपने इतने सारे टेस्ट में ये फोन आपके पास सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता। काफी सारे टेस्ट इस फोन के साथ में करने वाले हैं, और गाइस इस फोन का मैंने एक अभी डिटेल में रिव्यू वीडियो भी निकाला है, तो गाइस उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपको आई बटन में दे देता हूँ, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज हम इसके साथ में काफी नेक्स्ट लेवल तोड़ फोड़ करने वाले हैं, तो गाइस जैसा आपने टीजर में देख लिया होगा, तो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। गाइस उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस आपको कौन से फोन की ड्रॉप टेस्टिंग वगैरह चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे और कर लेते हैं इसके साथ में कुछ तोड़ फोड़ ड्रॉप टेस्टिंग वगैरह, तो चलिए कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो कर लेते हैं अब अपने फोन की टेस्टिंग स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले अपन फोन की बात कर लेते हैं, तो गाइस अपन का फोन है जो यहाँ पर अपन को पूरी प्लास्टिक बॉडी का देखने मिलता है, कहीं से भी इसके अंदर यहाँ पर आपको ग्लास बॉडी या मेटल का यूज नहीं किया गया है। तो गाइस मुझे लगता है कि अपना ज्यादातर फोन पूरा यहाँ पर टेस्ट के अंदर सर्वाइव कर जाएगा, यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट वगैरह के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले जो अपन टेस्ट करने वाले हैं गाइस वो अपने फोन का करने वाले हैं यहाँ पर बैंड टेस्ट। तो गाइस कर लेते हैं अपन फोन को बैंड। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसके अंदर काफी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, और गाइस यहाँ कैमरा की तरफ से हल्का सा ये टिल्ट होता नजर आ रहा होगा, बट गाइस उसके अलावा ज्यादा मैं इसके अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, और उसके पीछे बैकमेंट पे गाइस कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि गाइस अपना फोन पूरा प्लास्टिक बॉडी का है। अगर यहाँ पर अगर ग्लास बॉडी का होता तो यहाँ से क्रैक आ जाते, बट गाइस अपना फोन प्लास्टिक का है तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो गाइस अपना फोन बैंड टेस्ट के अंदर तो सर्वाइव हो जाता है, मतलब पास हो जाता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा होगा, उसके अलावा गाइस अपने फोन में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो गाइस अपना फोन यहाँ पर बैंड टेस्ट के अंदर पास हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और गाइस अब कर लेते हैं इसके स्क्रैच एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो गाइस सबसे पहले अपन स्क्रैच वगैरह करेंगे कॉइन से, और उसके बाद में कटर का यूज लेंगे। पहले नॉर्मल स्क्रैच करेंगे, क्योंकि गाइस कंपनी ने कहा है कि अपना जो फोन है उसका बैक पैनल वो स्क्रैच प्रूफ है, तो वही टेस्ट कर लेते हैं कि गाइस क्या कंपनी ने सही कहा है, अपना फोन स्क्रैच प्रूफ है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले अपन कॉइन से स्क्रैच करके देखेंगे कि अपना फोन स्क्रैच प्रूफ है या नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर काफी फास्टली कॉइन से स्क्रैच कर रहा हूँ, बट मेरे को तो यहाँ पर अभी कोई स्क्रैच वगैरह देखने के लिए नहीं मिले। गाइस मैं इसके अंदर काफी हार्डली स्क्रैचेस कर रहा हूँ, तो गाइस अपने यहाँ पर मैंने कॉइन से काफी स्क्रैच करे हैं, और जैसे आप इसके ऊपर हाथ से साफ करते हो उसके बाद में कोई भी स्क्रैच आपको इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गाइस अब नेक्स्ट कर लेते हैं अपने कटर से स्क्रैचेस, एंड देखते हैं भाई कटर से पहले नॉर्मल स्क्रैचेस करेंगे फिर उसके बाद में हार्डली स्क्रैचेस करेंगे, देखते हैं कटर से भी स्क्रैच आते हैं या नहीं। तो गाइस सबसे पहले अपन नॉर्मल स्क्रैचेस करते हैं, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर काफी नॉर्मली बिल्कुल हल्के हाथ से इसके ऊपर स्क्रैचेस कर रहा हूँ, काफी पिन पॉइंट से स्क्रैच कर रहा हूँ, बट यहाँ पर गाइस यहाँ पर अपन को कोई भी अभी तक इसके ऊपर स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिले। गाइस नॉर्मली यहाँ पर आपको कहीं पे स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, अब गाइस इससे थोड़ा लेवल अप करते हैं और थोड़ा हार्डली स्क्रैच करते हैं कि क्या देखते हैं स्क्रैच होते हैं या नहीं। तो गाइस मैं इसके ऊपर काफी हार्डली स्क्रैचेस कर रहा हूँ, तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हैं काफी थोड़ा हार्डली स्क्रैचेस करते हैं, उसके हिसाब से गाइस यहाँ पे थोड़े लिटिल बिट यहाँ पे आपको स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस मैंने इसके फुल पिन पॉइंट को यहाँ पर इसके ऊपर गड़ाकर स्क्रैचेस करे हैं तब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर स्क्रैच देखने के लिए मिले, वरना कोई भी इसके अंदर आपको नॉर्मली स्क्रैचेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गाइस यहाँ पर आपको पीछे वीवो की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, जो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ही आपको देखने मिल जाती है, इसके ऊपर भी यहाँ पे आपको स्क्रैचेस यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, कुछ नॉर्मल स्क्रैचेस आते हैं, वैसे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। अब साइड पे एजेस पे स्क्रैच वगैरह करके देख लेते हैं, और गाइस जैसे ही मैं साइड पे स्क्रैचेस कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ पर जो साइड का कलर है वो प्लास्टिक का इजीली हट जा रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको कोई भी मेटल नहीं देखने मिलता है, नॉर्मली यहाँ पर आपको प्लास्टिक के ही एजेस देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको इजीली हट जाते हैं। गाइस अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर अपने यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन रॉकर्स को निकाल कर देखते हैं क्या ये इससे हटते हैं, तो गाइस ये भी आपको प्लास्टिक के ही देखने के मिल जाते हैं पूरी तरीके से, जैसे ही मैं इस पर कट मार रहा हूँ तो पूरी तरीके से हट जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आपको स्कैनर के ऊपर ये मैं कर रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर आपको स्कैनर भी यहाँ पर जो स्कैनर की पॉलिश है वो भी हट जा रही है,
एंड ऑल ओवर गाइस यहाँ पर आपको जो साइड के एजेस है वो पूरा प्लास्टिक के देखने के मिलते हैं, तो ऐसा यहाँ पर अपने ड्यूरेबिलिटी के अंदर नॉर्मल कंपनी जैसे का स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं, बट यहाँ पर आपको प्लास्टिक के देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस अब बारी आती है फ्लैश लाइट एंड कैमराज की, तो यहाँ पर गाइस आपको एक पॉलिशिंग वाली एक यहाँ पर लुक दी गई है, तो इसके ऊपर स्क्रैच करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको काफ़ी हार्डली स्क्रैच कर रहा हूँ, बट गाइस यहाँ पर मेरे को स्क्रैच कम देखने को मिल रहे हैं। गाइस ये काफ़ी यहाँ पर स्मूथी स्पेस है, इसलिए मेरे को यहाँ पर कोई स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बारी आती है कैमराज की, तो गाइस मैं यहाँ पर जैसे ही कैमराज के ऊपर यहाँ पर स्क्रैच कर रहा हूँ, तो गाइस आप लोग ईजिली देख सकते हैं कैमरा के ऊपर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा स्क्रैच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, नॉर्मल यहाँ पर आपको स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। तो गाइस जो कैमरा की यहाँ पर सेफ्टी है वो मेरे को काफ़ी इसके अंदर पसंद आई, वरना मैं काफ़ी सारे ड्रॉप टेस्ट करता हूँ उनके अंदर इतना पिन पॉइंट से करता हूँ तो ईजिली स्क्रैच आ जाते हैं, बट कैमरा के अंदर भी कोई ज़्यादातर स्क्रैच नहीं आते हैं। अब देखते हैं गाइस प्लास्टिक के बैक पैनल को ये हटता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप इजीली ये मैं इससे कटर से कट चुका है, तो गाइस पूरा प्लास्टिक का है तो यहाँ पर आपको इजीली ये कट जाता है। तो गाइस अपना अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो गाइस अपना फ़ोन है जो ड्यूरेबिलिटी के अंदर भी पास हो जाता है, कहीं भी जैसा कंपनी ने कहा था यहाँ पर ज़्यादातर स्क्रैच आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गाइस अब बारी आती है यहाँ पर डिस्प्ले की, देखेंगे गाइस अब डिस्प्ले के ऊपर भी स्क्रैच वगैरह होते हैं या नहीं। गाइस हम यहां पर नंबर 1 से लेकर 7 तक हार्डली पहले नंबर 1 पे हल्के स्क्रैचेस करेंगे और 7वें नंबर तक फास्टली स्क्रैचेस करके देखेंगे कि अपना फोन पे कहां पर किस लेवल पे आपको स्क्रैचेस देखने मिलते हैं। उसके लिए अपन यूज करेंगे छोटा कटर और काफी पिन पॉइंट है, तो इसके लिए कर लेते हैं स्क्रैच एंड देख लेते हैं कि इसके ऊपर भी अपने स्क्रैचेस आते हैं या नहीं। तो गाइस मैं इस पे लाइटली काफी तेजी से स्क्रैचेस कर रहा हूँ और गाइस काफी फोर्सली स्क्रैचेस कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 7 और 5 नंबर पे थोड़े हार्डली मेरे को डिस्प्ले पे स्क्रैचेस होते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर इस पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं आए, यहाँ पर जाते मुझे थोड़े स्क्रैचेस बढ़ने लगे। तो गाइस यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत ज्यादा स्क्रैचेस करते हो तो यहाँ पे आपको लाइटली 5, 6, 7 पे आपको काफी मैंने फास्टली और काफी फोर्स से स्क्रैचेस करे तब मुझे स्क्रीन पे थोड़े स्क्रैचेस वगैरह दिखे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ऑल ओवर गाइस अपना फोन जो ड्यूरेबिलिटी में तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब गाइस नेक्स्टली आगे बढ़ते हैं और अब कर लेते हैं अपने फोन का ड्रॉप टेस्ट, 6-7 फीट की हाइट से गिरा के देखेंगे क्या अपने डिस्प्ले के अंदर या क्या अपने बैक पैनल पे इफेक्ट आते हैं या नहीं। तो चलते हैं बाहर और कर लेते हैं ड्रॉप टेस्ट। हाँ जी गाइस, तो अब आ चुके हैं अपनी बाहर लोकेशन पे ड्रॉप टेस्ट करने के लिए। तो गाइस अब मैं इसको 4-5 बार गिरा कर देखूंगा और उसके बाद में देखेंगे गाइस अपने फोन में क्या इफेक्ट आते हैं या नहीं। गाइस कर लेते हैं अब इसका ड्रॉप टेस्ट। तो गाइस सबसे पहले इस एंगल से गिराने वाला हूँ, 3-2-1 गो। तो गाइस एक बार तो गिरा दिया है, अब 2-3 बार और गिराते हैं और गाइस इस बार अब इस कैमरा के एंगल से गिरा कर देखते हैं कि अपने फोन में क्या इफेक्ट्स आते हैं। 3-2-1 गो। तो गाइस यहां पर इस बार हमने कैमरा के एंगल से भी गिरा लिया है, अब 1-2 बार एक साइड एंगल से एंड अपर साइड से गिरा कर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इफेक्ट्स आते हैं या नहीं। तो गाइस इस बार इस एंगल से गिराते हैं, 3-2-1 गो। तो गाइस इस बार ऐसे भी गिरा लिया है, अब लास्ट बार इस बार कुछ इस एंगल से गिराकर देखते हैं और फिर देखेंगे कि अपने फोन में क्या इफेक्ट्स आते हैं। 3-2-1 गो। तो गाइस हमने 4-5 बार इसको गिरा लिया है गाइस एंड यहाँ पर अपने फोन का इफेक्ट देखा जाए तो गाइस यहाँ पर अपने फोन में मोस्टली ज्यादातर तो मेरे को कोई इफेक्ट यहाँ पर देखने के नहीं मिल रहे हैं, बट एजेस पे यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गिरने के कारण थोड़ा सा इफेक्ट आए और गाइस यहाँ पर डिस्प्ले पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट मेरे को यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड ऑल ओवर गाइस यहाँ पर अपन को जो साइड के एजेस होते हैं वहाँ पर हल्के फुलके मेरे को इफेक्ट्स यहाँ पर एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है और गाइस अपने फ़ोन पूरा ओके है, कोई भी अपने फ़ोन में इफेक्ट वगैरह नहीं आए। तो गाइस अपना फ़ोन यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट में भी सर्वाइव हो जाता है, मतलब पास हो जाता है। तो गाइस अपने ऑल ओवर फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ
तो गाइस Vivo T2X की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस ऑल ओवर अपना फोन ड्रॉप टेस्ट में एंड स्क्रैप्स टेस्ट में वगैरह में सब टेस्ट में सर्वाइव हो जाता है, तो पास हो जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। और गाइस ये फोन स्पॉन्सर्ड बाय था बालाजी टेलीकॉम से। अगर आपको कोई भी नया स्मार्टफोन खरीदना है एक अच्छे खासे डिस्काउंट से, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल वगैरह दी गई है, वहां पर आप जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो के साथ में, ड्रॉप टेस्ट वगैरह किसी तबाही वीडियो के साथ में। तो जब तक टेक केयर, बाय।